हेलो दोस्तों, वीडियो चैनल में एक बार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे साइबर लिंक पावर डायरेक्टर, जो आपके मोबाइल ऐप है, इसके ज़रिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक टूल्स दिया गया है स्टेबलाइजर, इसको कैसे यूज़ करना है और किस चीज़ में इसका यूज़ होता है, इसकी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके और इसकी ओरिएंटेशन लेके हम इसको ओके करते हैं। तो स्टेबलाइजर में क्या होता है कि जब कोई हम वीडियो शूट करते हैं अपने मोबाइल से या कैमरे से और अपने हाथ से उसको मूव करते हैं, तो कुछ उसमें लैग शेक होता है कैमरा, तो उसमें कुछ हमको मालूम होता है। तो यहाँ पे जो वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो मैं शूट किया हूँ मोबाइल से और ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। तो इसमें कुछ लैगिंग आ रही है। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम स्टेबलाइजर का यूज़ करेंगे। सिंपली उस वीडियो को चूज़ करिए और ऊपर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मिल रहा है स्टेबलाइजर, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि ये आपकी ऑटोमेटिक उस वीडियो को स्टेबलाइज कर देगा और थोड़ा सा शेकिंग जो है उसको कम कर देगा। यहाँ से उसकी अमाउंट को आप चाहें तो मोशन लेवल जो है देख सकते हैं, मोशन लेवल दिया गया, इसको कम बढ़ती कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली इसको प्ले करेंगे जब, तो पिछले और आपकी वीडियो में आप डिफरेंट देख सकते हैं कि इसमें कुछ जो शेकिंग थी हाथ की जो वीडियो बनाने में, वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे शेकिंग मालूम हो रही है वीडियो में, उसको वहाँ पे वो ब्लर सा इफेक्ट डाल देता है। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा जूम कर देता है और जो साइडिंग का ब्लर इफेक्ट होता है उसको यहाँ पे कम कर देता है। तो यहाँ से हम एक दूसरी वीडियो भी आपको लेके दिखाते हैं, जो कि मैं उसको शूट किया हूँ अपने मोबाइल से और मैं ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे, तब कार से मैं इसको शूट किया हूँ। तो हम इस वीडियो को यहाँ से हम लेते हैं, सबसे जाएंगे कैमरे में और कैमरे से जाने के बाद यहाँ से हम उस वीडियो को, ये रही पहली वीडियो। इसके बाद हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सारे वीडियो पे हम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस वीडियो के कुछ पार्ट को हम कट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेंगे। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे रेजर पे और यहाँ पे हम इसके कुछ पार्ट को डिलीट कर देते हैं और कुछ ही पार्ट पे ये अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमको ज़्यादा शेकिंग मिल रही है, और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको डिलीट कर लेते हैं और सिंपली हम स्टेबलाइजर पे क्लिक करेंगे। जब फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो स्टेबलाइजिंग वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका इफेक्ट आएगा और यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना होगा जब तक कि वो पूरी वीडियो को एनालाइज ना कर ले और उस पर ये इफेक्ट ना डाल दे। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे इस वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो स्टेबलाइज पूरी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें शेकिंग थी वीडियो में, जो हिल रहा था हाथ, वो यहाँ पे कम कर दिया है इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करके। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियोज़ को जो शूट किए उसमें अगर शेकिंग को प्रॉब्लम है, हाथ हिल रहा है, तो उसको कुछ अमाउंट वहाँ पर उसका कुछ कम कर सकते हैं, उसका मोशन लेवल। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल्स और ये टूल्स और ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिएगा और इस तरह से वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। तो प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन और आगे आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।